राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर राहुल चौधरी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह हमारी सीताराम डींडे जी की कचहरी। और सीताराम डींडे जी थे यहाँ के राजा कोटवन के, और जो हमारे राजा थे भरतपुरिया उनके थे वो सेना के सरदार। और जो आप मेरे पीछे ये महल मतलब ये कचहरी देख रहे हो, ये है आज से लगभग 800 साल पुरानी, आप कह सकते हो राजा भरतपुरिया के शासनकाल की। यहाँ पे उस टाइम होते थे फैसले कचहरी के, जो आज के टाइम में आप नया नाम सुनते हो कोर्ट, उस टाइम कहते थे कचहरी। यहाँ होते थे फैसले। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये बना हुआ है कचहरी। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाइए थोड़ा। आज के टाइम में यहाँ बंदरों का वास है, हम उनसे नजर नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो हमला कर देते हैं। दिखाइए चारों तरफ, और राजा बैठते थे वहां सामने। यहाँ बैठती थी जो बाकी अपना प्रजा आती थी, उनका फैसला होता था। राजा बैठते थे वहां सामने, कैदी और कैदी रहते थे आपका सामने यहाँ पर, जहाँ मेरे पीछे जगह देख रहे हो कैदी रहते थे उस टाइम यहाँ पर। और सेम ऐसा ही इधर है, यहाँ भी कैदी होते थे। और वैसे इस महल में दिखाने को बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। जैसा कि अभी तो आप देख रहे हो ये जगह जहाँ पर कैदी होते थे, और वैसे भी इस महल में काफी जगह है, मैं आपको थोड़ी देर में और भी दिखाता हूँ, जैसे रानियों के रहने की जगह और सीताराम जी खुद जहाँ रहते थे, थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको वो जगह। बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कलाकारी। इस पत्थर को काट के ही ये डिजाइन बनाई गई है। जो हमारे पहले कलाकार होते थे, मिस्त्री होते थे, वो आज के मिस्त्रियों से काफी आगे थे। आज के आप भवन देखते होंगे, उनकी अवधि रहती है ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 साल भी बहुत ज्यादा होती है। और आप देख सकते हो उस बिल्डिंग को लगभग 800 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और ज्यादा कुछ अभी इसका बिगड़ा नहीं है रखरखाव की वजह से, जैसा कि वो अभी यहाँ रहता नहीं है, आप देख सकते हो। और नक्काशी आप देख सकते हो, जगह जगह फूल बने हुए हैं। और ये पुरानी यहाँ पर बस पत्थर से ही ये छत है, कोई टुकड़ी कोई गाटर कोई पत्थर नहीं है। और आप मेरे सामने जो ये कोठरियां देख रहे हो, इसमें कैदियों का रखा जाता था, और सेनापति खड़े होते थे राजा के यहाँ पर उनको पकड़कर। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, राजा जी बैठते थे यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये भी। इसमें बहुत सारे ये कोठरियां बनी हुई हैं जिनमें कैदियों का रखा जाता था, और आप छत भी देख सकते हो। और सामने भी कुछ कोठरियां बनी हुई हैं जहाँ पर भी कैदियों को ही रखा जाता था। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो। लाइट जला देता हूं मैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हो ये ना जाता है ऊपर की तरफ। और मैं दिखाता हूं आपको यहां से नजारा कैसा दिखता है यहां की खिड़कियों से। जैसे कि आप तो यहां काफी गांव बस चुका है, आप दूर तक देख सकते हो हरियाली हरियाली। अब मैं दिखाता हूं आपको पुराने जमाने में हाथ की कलाकारी। अब आप मेरे सामने फूल देख सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे आप ये फूल। इस फूल में और इस फूल में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे, ये हाथ से ही बनाया हुआ है। और आप मेरे ये देख सकते हो सामने, ये भी हाथ से ही बनाया है। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा इसमें, जो कि अब मिट चुकी है, थोड़ी थोड़ी ही बची है, आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। आप ये जो फूल देख सकते हो, ये भी उसी टाइम के बने हुए हैं, और अभी तक इनका थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, जो भी काफी सुंदर लग रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और आर्किटेक्चर की मिसाल। अब आप देख सकते हैं ये छतरी, इसको ईंटों से ही बनाया गया है, इसमें ना कोई पिलर है ना कोई सरिया है ना कुछ भी। और आप देख सकते हो इसको कैसे रोका हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हो साहब, इसमें ईंटें लगी हुई है, ईंटें भी लगी हुई है, कखैया ईंटें। और आप इसमें काफी सुंदर ये चित्रकारी भी देख सकते हो। ये कचहरी है सीताराम जी की, जो कि राजा थे कोटवन के। अब मैं लेके चलता हूं आपको ऊपर इसी रास्ते से, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर, और मैं दिखाता हूं आपको ऊपर से कैसा बना हुआ है ये सीताराम जी का महल। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर कैदियों को रखा जाता था। अब इन कोठरियों में मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकता, आप देख सकते हो चमगादड़ लटके हुए हैं सामने, जो कि अटैक कर देंगे। और यहाँ का जो सबसे सुंदर दृश्य है वो आता है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये यहाँ की खिड़कियां बनी हुई हैं, जिनसे भी काफी सुंदर दृश्य आता है बाहर देखने पर। और आप सामने जो देख रहे हो, ये है सीताराम जी का महल जिसमें वो खुद रहा करते थे, ये थी उनकी कचहरी। और वही सीनरी आप यहां से भी ले सकते हो। अब चलते हैं ऊपर। जब आप इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आएंगे, तो आपको दिखेगा पूरे कोटवन का नजारा। बस एक सेकंड रुकिए आप,
और जो आप मेरे सामने देख रहे हो यही था सीताराम जी का महल, और इधर जो महल है ये था उनकी रानियों का। वहाँ पे मैं भी आपको ले जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, ये उसका गेट है। और यहाँ से आप पूरे गांव का 360 व्यूज ले सकते हो। जी तो भाई जी कैसा लगा? भाई जी मज़ा आ गया। और मैं आपको मिलाना चाहूँगा मिस्टर धन सिंह जी से। धन सिंह जी राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। धन सिंह जी हमारे मौसी के लड़के, आज मुझे पहली बार ही मिले हैं ये। वैसे तो हम एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हैं पर मिले आज हम पहली बार हैं। तो धन सिंह जी क्या कहना चाहोगे, आज हम आपके गांव में आए हैं, इन महलों की वीडियो बनाई है? मुझे तो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर बबूल के पेड़ बहुत हो चुके हैं टाइम के साथ साथ। और यहाँ की एक और विशेषता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, सामने वाला जो सीताराम जी का महल है उसमें एक दीवार में बहुत बड़ा होल हो चुका है। जैसा कि मुझे गांव वालों ने बताया कि अगर यहाँ पर ये दीवार गिरती भी है या कोई ईंट गिरती भी है तो ये महल के अंदर ही गिरती है, बाहर कुछ नहीं गिरता। तो ये भी हमारे ब्रिज का चमत्कार कह सकते हो आप। अब आप मेरे सामने से देख रहे हो, यहाँ से जा रही है हमारी रेल, राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ से दिख जाती है आपको रेल भी, और यही हमारा NH-19 है जो जाता है आपका दिल्ली से मथुरा की तरफ। और ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है जो कोसी की तरफ पड़ता है। और मैं यहाँ से देता हूँ आपको यहाँ का 360 व्यू। और 360 व्यू में आ चुके हैं हमारे जीतू भाई। जीतू भाई आपको धक्का दे दूं ऊपर से? भाई जी बेशक दे दो। नहीं भाई जी तो बोलो राधे राधे। राधे राधे भाई जी लेना। और आप जो सामने देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये है हमारे कोटवन का पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि काफी बड़ा है और काफी दूर दूर से बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो कोटवन के इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। बीच बीच में पढ़ाई की बात भी जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ी सी झलक देना चाहूँगा पुराने आर्किटेक्चर की। जैसा आगे से ये थोड़ा सा अभी खंडित हुआ पड़ा है, पर आप ये वाला दरवाज़ा देख सकते हो जो पूरा एक ही पत्थर से निर्मित है। इस महल का जो पूरा इतिहास है वो जुड़ा हुआ है कि एक टाइम पर जब राजा भरतपुरिया जा रहे थे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, तब उन्होंने राजा सीताराम जी को यहाँ से अपने साथ लिया। और जब दिल्ली में वो जीतने के बाद, किला तोड़ने के बाद जो वहाँ से लूटा हुआ माल था, उन्होंने आने के बाद ये इस किले का और इस कचहरी का और सीताराम जी के इस महल का निर्माण कराया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा अभी थोड़ी देर में, बने रहिए वीडियो में। अब आप मेरे सामने जो होल देख रहे हैं, ये होल आता था जब यहाँ आक्रमण होता था तो उस टाइम में देखने के लिए और बंदूक की नाली इसमें रखकर चलाने के लिए, ताकि सामने से एक ढाल भी बन जाए और किसी को दिखे भी ना। यह है सामने सीताराम सरदार जी का महल। अब मैं आपको दिखाता हूँ उनकी कितनी ताकत थी उनमें। जैसा कि मुझे हमारे धन सिंह भाई ने बताया था, ये सामने है उनकी चौकी। अब आप इसका एक हिस्सा देख पा रहे होंगे और ये हिस्सा भी काफ़ी बड़ा है, इसमें भी कम से कम काफ़ी वजन होगा। आप इसका साइज देख सकते हो, इस हिसाब से इसमें तीन पाए और थे जो अभी समय के साथ नहीं रहे। इसको वो अपनी बगल में दबा के और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर गुफा में ले जाते थे और इसको वहाँ रखते थे, फिर इस पर नहाते थे, फिर इसको वापस लेके आते थे। अब आप हिसाब से लगा सकते हो कि हमारे सीताराम सरदार में कितनी ताकत थी। और आप एक छोटी सी ये गुफा भी देख सकते हो। तो राधे राधे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको आज दिखाया राजा भरतपुरिया के जो सेनानायक थे, सीताराम सरदार जी का महल, कचहरी और उनके रानियों का रहने का स्थान। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी ही पुरानी जगह देखनी है और ब्रिज की यात्रा करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और बोलते हैं अपनी लास्ट टैगलाइन, राधे 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 राधे। मेरी एंडिंग को कर पाऊंगा।